आपके यहाँ कितने टीचर हैं? तीन। और आप लोग को कैसे पढ़ाते हैं? संख्या बच्चों का ज़्यादा है तो कैसे पढ़ाते हैं? टीचर कम है इसलिए ढंग से पढ़ाते हैं। सामान्य तौर पे जो मुख्य समस्या है हमारे यहाँ वो ये है कि शिक्षकों की कमी। टोटल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ टोटल 302 बच्चे हैं। और कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? तीन लोग। मानक के आधार पर तो आप जानते हैं कि 30 के ऊपर एक अध्यापक होते हैं जी। बट अब मानक के आधार पर तो हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है और कमी होने के नाते शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होती है। और मेरा तो पूरा टारगेट ये है कि एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, लेकिन अब मजबूरी ये है कि एक क्लास को एक क्लास में मिक्सअप करना पड़ता है, जिससे अब उनका जो सिलेबस कक्षा 4 का कुछ अलग है, कुछ 5 का अलग है, फिर भी मिक्सअप करके उनको पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या निश्चित रूप मेरा तो यही जो है सुझाव है कि आप ऐसा प्रयास करिए जिससे हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ सके। तो इस पर बदलाव कैसे आया? इसके लिए आपके जो है ब्रह्मजीत जी हमारे यहाँ आए एक बार और इन्होंने जो है हमारे विद्यालय की एक वीडियोग्राफी की और वीडियोग्राफी करने के बाद जो है उसको जो है दिखाया गया यहाँ पे, और हमारे विद्यालय में प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में क्या हुआ, उसके अध्यक्ष उपस्थित हुए और जो है SNC के उन सदस्य थे, उसमें रिटर्न एक अप्लीकेशन लिखा गया। और अप्लीकेशन लिखने के बाद क्या हुआ कि उस अप्लीकेशन को हमने अपने BSA साहब को स्पीड पोस्ट से फॉरवर्ड किया। उसके बाद जो है एक हमारे यहाँ नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिससे ये हुआ कि अब शिक्षण व्यवस्था हमारे यहाँ सुधार हुआ। और अब आपको अलग अलग क्लास के टीचर पढ़ाते हैं कि एक ही में मिक्सअप करके पढ़ाते हैं? अलग अलग। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह समस्याओं को उठाता रहूं ताकि उनका समाधान हो सके। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।